भगवा थाना क्षेत्र के घुवारा चौकी के अंतर्गत नगर घुवारा में बीती रात एक वारदात से पूरे नगर और क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। पूर्व विधायक रेखा यादव के पीए रमाकांत शुक्ला का उनके भाई से जमीनी विवाद चल रहा था। सूत्रों के अनुसार 30 जून को विवादित जमीन पर भी विवाद हुआ और उस विवाद के बाद बीती रात करीब 10 बजे रमाकांत शुक्ला जब अपने घर की बालकनी पर घूम रहे थे तभी अचानक गोली चलाई गई। गोली की आवाज सुनकर उनके पिता ऊपर आए और देखा कि पुत्र को गोली लगी है। इसके बाद सीधे बड़ा मलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और भगवा थाना प्रभारी डीएसपी पंकज मिश्रा, गुवारा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र परस्ते अपने बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और रमाकांत शुक्ला को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में कल रात लगभग 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि दो पक्ष हैं उनके बीच जमीन को लेकर, उनके आपसी जमीन में विवाद था कुछ, उस जमीन को लेकर के एक पक्ष है जिनका नाम रमाकांत तिवारी है, तो उन पर उनके दूसरे पक्ष हैं, उनके परिवार के ही हैं, तो दूसरे पक्ष के द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, तो उसमें उनके कंधे के पास निधाई कंधे के पास चोट आई हुई थी। तो ये सूचना मिली तो हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे और जो भी फरियादी थे पीड़ित थे तो उनको यथाशीघ्र पहले अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज कराया गया और वहाँ पे देहाती नालसी लीक की गई है, तो उसमें चार आरोपियों के नाम उनकी तरफ से बताए गए हैं, तो उनकी तलाश पता किया जा रहा है। ठीक है, उनके लिए टीम भी भेजी गई है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी की जाए।